तो आज हमारे पास है जुपिटर ZX स्मार्ट कनेक्ट, जो कि इसमें प्रॉब्लम आई है आपको BS6 की कोई भी बाइक और या BS6 की कोई भी स्कूटरी आप ले सकते हो, या होंडा की या हीरो की कोई भी स्कूटरी आप ले सकते हो या बाइक ले सकते हो, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को ज़रूर एक बार चेक करना प्रोसेस के साथ, जो कि पहले आपको मैं इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर मैं आपको स्कूटरी में एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सीलेटर देने के बाद हमारी स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कूटरी में जैसे ही आप सेल्फ दबाते हो तो हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, और अगर आप एक्सीलेटर देके स्कूटी को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, स्टार्ट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग करने लग जाती है स्कूटरी। ठीक है, और आपको बताता हूँ अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है प्रोसेस के साथ हमें चेक करना होता है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा पहला होता है स्टेप फ्यूल पंप, उसके बाद हमारी स्पार्क प्लग हमने चेक किया, इसका करंट भी हमने चेक किया, उसके बाद हमने इसकी थोतल बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर लास्ट में जाकर हमने इसका इग्जेक्टर चेक किया। इग्जेक्टर में प्रॉब्लम क्या हो रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप इग्जेक्टर खोल लेता हूँ, इसमें आपको 8 नंबर की गुटी देखने मिलेगा, उसको आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको इसमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, जो शायद आपने पहली बार देखें। ठीक है, तो जो इग्जेक्टर में प्रॉब्लम है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपको प्रोसेस के साथ चेक करोगे तभी आपको प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट मिलेगा। जैसे हम चाबी ऑन करते हो तो हमारा जो इग्जेक्टर से जो पेट्रोल है लीक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, अच्छी यहाँ पर देखिए किस तरह से हमारा पेट्रोल लीक हो रहा है, देखिए, और उसमें एवरेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि इग्जेक्टर की वजह से प्रॉब्लम आ, 3 प्रॉब्लम थी, एक मिसिंग स्टार्टिंग प्रॉब्लम, दूसरा स्लो पे बंद हो जाती, और दूसरा स्टार्ट करते तो एक्सीलेटर देकर हमारी स्कूटी स्टार्ट होती। ठीक है, आपको मैं इसमें एग्जेक्टर लगा के दिखाता हूँ, जो कि हमारा लीकेज नहीं होता। जैसे ही आप चाबी ऑन करोगे तो इस तरह का लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होगी। ठीक है, मैं आपको इसमें न्यू एग्जेक्टर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने न्यू एग्जेक्टर लगा लिया, जैसे मैं चाबी ऑन करूँगा तो हमारा जो पेट्रोल है लीकेज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैं फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, मैंने इग्जेक्टर फिटिंग कर दिया, और आपको मैं स्कूटी स्टार्ट करा के दिखाता हूँ बिना एक्सीलेटर दिए। अगर आपको वीडियो को लाइक भी करें, जो कि हमारी इग्जेक्टर की प्रॉब्लम थी, और अपने मैकेनिक भाई को वीडियो को शेयर जरूर करें।